दो पक्षों में हुई मारपीट की वजह से एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मृतक के परिवार वालों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हत्या की यह घटना सितारगंज की है, जहां मृतक रंजन की पत्नी और उसके परिजनों ने बताया कि रंजन सुबह काम करने के लिए निकले थे, तभी किसी से उनका विवाद हुआ, लेकिन वह इसके बाद घर नहीं लौटे। परिवार वालों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिले। इस मामले को लेकर CSC सितारगंज के डॉक्टर अभिलाष पांडे ने बताया कि रंजन को सुबह हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। जब उसको अस्पताल में लाया गया, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेकसूर मेरा भाई दौड़ा दौड़ा के मार दिया, चाकुओं से गोद दिया, सजाए मौत दी जाए मेरे भाई को, ऐसी सजा दी जाए जो किसी को ना मिली हो, किसी गरीब को ऐसा मारा है। मृत व्यक्ति को लाया गया था, जिसका नाम रंजन पुत्र मिश्री डाल है, जो यहाँ सितारगंज में गणेश मंदिर के पास रहता है, मूल निवासी पीलीभीत का है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। इसको यहाँ पे हमारे पास पुलिस के द्वारा लाया गया था मृत अवस्था में, जिसकी गर्दन पे कटे का निशान है और शरीर में जगह जगह उसके कंट्यूजन और लेसरेशन वुंड पाए गए हैं, जिसको हम हमारे द्वारा अब सील पैक करके खटीमा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।